किसने तो। और आज काजल ने बनाया था, तो आज कितने दिनों के बाद काजल के याद का मैंने खाना खाया। मुझे आई थिंक 15 इयर्स टू 17 इयर्स हो गए होंगे इसे लेके। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज फ्राइडे है और अभी आफ्टरनून के हुए हैं 3:30 और मेरा लंच भी रेडी हो चुका है। तो मैंने आज लंच में बनाए हैं पालक और राइस, भुगा राइस, साई भाजी, भुगा चावल सिंधी में बोलते हैं। तो हबी को तो मैंने पहले ही दे दिया। हबी को मैंने पहले ही खाना दे दिया कि तो मुझे हो गई थी लेट। आज पहले जो मेरी हेल्पर थी वो मिलने आए थे आज मुझसे, उससे बात की, मिलने आए थे तो काम उतारा घर का। फिर मैंने पहले पहले क्या किया, काजल को खड़ा कर दिया साथ में, पालक काटती गई, काजल खाना बनाती गई। यहाँ से दोनों साइड कुकर और सिपरी रख के काजल ने ओनियन भी काट के दिया। मैंने फटाफट से सब्जियां काट के दे रही थी, काजल बनाती जा रही थी। ओनियन वगैरह काटना तो काजल खड़ी रहती है साथ में, अभी फटाफट फट से हो जाता है, दोनों जने साथ में मिलके कर लेते हैं। तो काजल ने फिर स्टार्ट किया, फिर मैंने बोला मेरा हो गया काटना वगैरह सब। मैंने बोला मैं जब तक मेरे तू क्लोथ निकाल, कपड़े मैं नहाने जाऊँ वही निकाल के देती है वैसे भी मुझे। तो मैं जब तक यहाँ पे खाना बन रहा था, फिर बाद में फिर काजल ने ही पूरा चेक किया, खाना बनाया उसने। मैं जब तक नहा के आई, क्योंकि तो शॉवर भी लेना था, गर्मी बहुत हो रही थी। फिर मैंने बोला आज भी स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग। फिर पहले काजल ने पापा को दे दिया खाना, इनको भूख लगी थी तो इन्होंने खा लिया। अभी काजल और मैं हैं खाली, तो अभी खाएंगे। तो फिर खाना खा के अभी सो जाएंगे थोड़ी देर, फटाफट थोड़ी देर के लिए सोऊंगी। फिर एसी सर्विस वाला आने वाला है 4:30 बजे, उसने टाइम दिया है, अभी बोल के आया उसको एसी सर्विस करवानी है, क्योंकि तो अभी भी यहाँ पे गर्मी है। जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ था, इतनी बारिश हुई और साइक्लोन आया, उस दिन 1-2 दिन ठंडी हो रही थी, लेकिन उसके साथ भी इतनी ठंडी नहीं थी, हवा ठंडी थी बहुत, लेकिन गर्मी तब भी हो रही थी। तो अब ज़्यादा ही गर्मी हो गई है, उसके बाद क्लाइमेट ऐसा हो गया है, एकदम गर्मी हो गई है, पहले से भी ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी। तो एसी चालू करनी ही पड़ रही है, एसी के बगैर नहीं सो पा रही हूँ, आफ्टरनून हो या रात हो। इवनिंग में तो थोड़ा स्लाइडिंग खोल के बैठ जाते हैं, जब तक रात को सोए, जब तक एसी चालू करे, जब तक स्लाइडिंग खोल के रूम में बैठते हैं, हाल में इतना नहीं बैठते। खाली अभी सो जाए, फिर काजल और मैं चले जाएंगे अपना टीवी वगैरह देखने, मूवी वगैरह देखेंगे, टाइम पास करेंगे या सीरीज देखेंगे। फिर बाद में चली जाती हूँ थोड़ी देर हॉल में, फिर थोड़ी देर बाद में सोती हूँ। तो अभी मैं टाइम वेस्ट ना करके काजल और मेरा खाना लगा रही हूँ, सर्व कर रही हूँ। इन्होंने तो खा लिया, अभी सो जाएंगे सीधा, फिर मैं भी खाना खा लूँ काजल के साथ। फिर अपना मुझे टैबलेट भी लेनी है। खाना थोड़ा गर्म कर लिया, ठंडा लग रहा था, खाना गर्म अच्छा लगता है खाना। बजे हैं और खाना भी खा लिया काजल ने और मैंने। जब तक हम खा ही रहे थे तो एसी सर्विस वाला भी आ गया। मैंने बोला अच्छा है जल्दी आ गया, तो उसके बाद सो जाऊंगी। तो एसी भी सर्विस हो गई, अभी चला के बैठे, अभी रूम कूल कर रहे हैं। जब तक मैंने टेबलेट अभी ली, जस्ट अभी खाना खाया तो उसके बाद टेबलेट भी ले ली। मतलब कि आज मस्त बनी थी ये, तो आज ही सुबह में लेके आए थे सब्जियाँ सब, कांदा खलास हो गया था, टमाटर और आलू और पालक भी लेके आए, धनिया भी लेके आए। तो बाकी तो मटर वगैरह मुझे चाहिए था तो वो मिल नहीं रहा मटर, और मैंगो चाहिए थे वो भी नहीं मिले, क्योंकि तो मुझे मैंगो की इतनी हैबिट पड़ गई है, अभी इतने मैंगो खाए हैं मैंने कितने दिनों में, तो या तो मैंगो खाती हूँ या तो फिर रात में शेक पीते हैं काजल और मैं। अभी तो खाते हैं, उनको शेक अच्छा ही नहीं लगता, काजल और मुझे शेक बहुत अच्छा लगता है मैंगो का, तो वो आज नहीं मिले, फिर कल मंगाऊंगी मैंगो। मैंगो का शेक मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो पीना है। तो आज मैं मिस कर रही थी, 1-2 दिन से नहीं पिया है, मिल ही नहीं रहा है आम भी, जा रहा है मैंगो वाला चला जा रहा है, क्योंकि तो इनका भी टाइम वैसा है सुबह में निकलने का, सामान वगैरह लाने का,
और फिर सब्जियां वाले भी कभी मिलते कभी मैंगो वाले मिलते कभी नहीं, कभी बंद हो जाते जब तक ये जाए अपना सुबह में चाय वगैरह पीते, तो ऐसा होता है यहाँ पे। तो वो बोला है मैंने अभी कल लेके आना, बाकी जो आज फ्रेश सब्जियां लेके आए थे ना तो पालक एकदम फ्रेश थी। तो वैसे भी होता है जिस दिन आप ऑब्जर्व करो, जिस दिन पालक मेथी और धनिया आता है तो उससे चीज़ें इतनी फ्रेश बनती है, उसी दिन बनाओ अगर तो इतने टेस्टी बनती है, खाने में बहुत मज़ा आता है। बट वो फ्रिज में रखी नहीं हो, जिस दिन लेके आओ उसी दिन फ्रेश बनाओ। बनाया किसने तो? और आज काजल ने बनाया था, तो आज कितने दिनों के बाद काजल के हाथ का मैंने खाना खाया। वैसे थोड़ा बहुत बना लेती है काजल, रोटी पकाएगी या हेल्प करेगी या फिर काट के देगी, तो आज पूरा ही काजल के ऊपर ही आ गया। क्यों तो मैंने सब्जियां काट के दी, फिर 2 मिनट खड़ी रही, फिर वापस में नहाने चली गई, तो पूरा इसको देखना ही पड़ा। फिर इतना तो नहीं बनाया भी, अभी 3-4 दिन से सर्व भी काजल ही कर रही है खाना। जब भी मैं खाना बना के बैठ जाती हूँ काजल को, काजल खाना लेके आ, तो खाना लेके आती है काजल, तो इसको पूरा मेरी तो पूरी ड्यूटी इसके ऊपर ही है। जैसे बताया आपको मैं शावर लेने जाती हूँ तो काजल को बोलती हूँ कपड़े निकाल के दे मुझे, तो काजल ही निकाल के देती है। बहुत ध्यान देना पड़ता है इसको काम में। तो आज तो उसने ही पूरा बनाया, तो कितने दिन के बाद वो ही बोल रही भूल ही नहीं खाना, बहुत अच्छा बनाया था पालक, मस्त बनाया था बहुत। और बोल रही थी फ्रेश भी लेके आया आज। वैसे क्या एक दिन भी अगर काट के रख दो फिर कल पे बनाओ तो भी उतनी टेस्ट नहीं आती है जितना आप जिस दिन लेके आओ, 1-2 घंटे में बना लो तो मस्त टेस्ट आ जाती है सब्जी की। तो वो अभी बना ली, बाकी धनिया पड़ा है तो नींद में से उठ के मुझे धनिया भी काट के रखना है, नहीं तो फिर गर्मी का टाइम है क्या हो रहा है, धनिया इतना इतना लेके आ रहा है फ्रिज में चल ही नहीं रहा है इतना दिन, तो फिर काट के रखो और वो भी इतना लेके आ रहा है 3-4 दिन चल रहा है, उसके बाद फिर धनिये की भी शक्ल बदली हो जाती है, तो 3-4 दिन में खलास करना पड़ रहा है मुझे फटाफट। वैसे तो हमारी बहुत ही बढ़ते हैं हर सब्जी में, मुझे धनिया अच्छा लगता है, जैसे दाल वगैरह हो, कड़ी हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है तो उसमें अच्छा लगता है मुझे, तो वो मैं नींद से उठ के काटूंगी। तो अभी मैं सो जा रही हूँ, अभी आ रही हूँ मुझे नींद। अभी इवनिंग के 8:15 हैं और मैं आज 6:15 नींद में से उठी, क्योंकि तो टाइम तो वैसे भी हो गया सोने में, सोने के टाइम पे थोड़ा मोबाइल चलाया, बातें कर करके बाद में फिर एसी चालू करके सोई, अभी तक गर्मी है यहाँ पे, तो क्लाइमेट ऐसा उठने जैसे मैं नींद में से उठी तो देख रही हूँ बाहर क्लाइमेट ऐसा लग रहा था जैसे बारिश पड़ेगी, ऐसे भंकिया है बादल, ऐसा लग रहा था पड़ेगी बारिश। में बोला अच्छा है पड़े, इतनी गर्मी है बहुत, अच्छा मौसम हो जाएगा थोड़ा बारिश पड़ेगी तो थोड़ी गर्मी जाएगी, लेकिन नहीं फिर वापस से वही टाइम होता गया जैसे वैसे ही वही क्लाइमेट हो गया गर्मी का, कोई बारिश नहीं यहाँ पे, अंधेरा अभी हो गया है। जब उठी तो बहुत क्लाइमेट अच्छा लग रहा था बाहर, थोड़ा दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर काजल को भी उठाया, चाय पिलाई, मैं तो उठी तो अम्मी ने चाय बनाई दी थी जैसे नींद में से उठी, जाके मेरी आदत है ऐसे जाके रूम में बैठ जाती हूँ, मुंह धो के बैठ गई, ये पूछ रहे नींद हो गई तेरी, हाँ हो गई, चाय पिएगी ना, हाँ चाय दो, आप दो, मैं नहीं उठूंगी, तो उठने से ऐसा लगता है हाथ में चाय मिले तो उनको बोलो चाय दो मुझे तो उसके बाद मैं उठूंगी। तो उन्होंने चाय दिया, फिर काजल को अभी मैंने उठाया, काजल थोड़ा लेट सोई थी, आंटी से काम कितने तूने कराया ना काम, तो आंटी से भी काजल ने ही काम कराया, मैं तो सोई है मुझे पता ही नहीं चला है, इतनी गहरी नींद में सोई हूँ, जैसे सोई हूँ उठने से इतना सर पाड़ी, इतनी गहरी नींद पता ही नहीं चला है कब आंटी आई, कब काजल ने काम उतारा, कैसे काम उतरा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ऐसी नींद आ रही है गहरी, मस्त नींद आ रही है। अगर ऐसी चालू होती है ना गर्मी में तो नींद मुझे ऐसी में इतनी अच्छी आ जाती है जैसे लोहड़ी मिल जाती है ऐसी से मुझे, तो सो गई थी। फिर उठी तो काजल को भी उठाया, अभी मैंने बोला चलो उठो जल्दी चाय बाय पी, काजल को चाय गर्म करके, ये अभी मारा नहीं जब तक इसको बैग में मैं चाय नहीं लेके जाऊँ तब तक उठती नहीं है, इसको ना उठाने का एक ही बना है, हम चाय का बोल लेके जाओ उठ के बैठ जाती है फटाफट से, चाय देखेगी गर्मा गर्म उठ जाती है, ऐसा ही है मैं भी ऐसी उठ के अभी का मुँह देखती चाय जल्दी से मिल जाए तो फिर नींद खुल जाती है ना, उसके बाद फिर ऐसा लगता है एनर्जी आ जाती है अभी काम करे चलूं ऐसा लगता है, नींद में से एकदम से मुझ में एनर्जी एकदम लो होती है, बिल्कुल भी नहीं कुछ भी नहीं, बस चुपचाप बैठ जाती हूँ बेड पे, बस कुछ नहीं करना चुप करके बैठ जाती हूँ। तो अभी नाश्ते में लग गई हूँ, अभी तो मैं यहाँ पे इसमें टोस्टर बनाऊंगी आज, वैसे भी इवनिंग में अभी टोस्टर बनाती हूँ मैं, थोड़ा चेंज करके कभी मैगी कभी क्या, तो अभी घर में ही बनाती हूँ, उनको बाहर का खाने के लिए तो मैं मना करती हूँ बिल्कुल भी। काजल और मैं ब्रेड बटर का टोस्ट खाएंगे, और हबी को ना कभी भी बटर का टोस्ट अच्छा नहीं लगता है, उनको बटर खाना अच्छा नहीं लगता है, और मैं ऐसी हूँ तो मुझे बटर तो जिसमें भी मिले बहुत मज़ा आ जाता है, बटर मज़े से खाती हूँ बहुत, तो अभी ऐसे ही करती हूँ। कल परसों भी मैंने ऐसे ही बनाया था इवनिंग में बटर का, ये निकाल कर का ये मशीन तो मेरी कब की है, बहुत बरस हो गया इसको मुझे, आई थिंक 15 ईयर्स 17 ईयर्स हो गए होंगे इसे लेके, ये सज्जी कपूर तंदूर है,
मेरी जो टोस्ट मशीन है तो ये नॉन स्टिक है, इसमें तो ऑयल बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। जो भी टोस्ट बनाना है, ग्रिलिंग भी बना सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने आज तक उसमें ग्रिलिंग वगैरह कुछ भी नहीं की है। जैसे तंदूर, तंदूर कर सकते हैं, संजीव का कुछ तंदूर नाम ही उसका ऐसा है, तो तंदूर वगैरह चिकन ये वो फिश बना सकते होंगे और पनीर तंदूर बना सकते होंगे, लेकिन मैं इसमें कभी वो बनाया ही नहीं मैंने, कि तो मुझे वो समझ में नहीं आता इसमें कैसे बनाऊँ। मैं ओनली टोस्ट के लिए यूज करती हूँ। तो हबी को क्या करती हूँ मैं, हबी इवनिंग में क्या करते हैं, जो भी सब्जी बच जाती है ना आफ्टरनून की, तो सब्जी का ही टोस्ट खा लेते हैं, भले वो पाव में हो या ब्रेड में हो, तो उनमें इनको बना के दे लेती हूँ। काजल और मैं अपना ब्रेड बटर खाते हैं या चीज वाला टोस्ट खा लेते हैं, चीज स्लाइस वाली है वो पड़ी है, उसमें ब्लैक पेपर डाल के हम चीज टोस्ट भी खा लेंगे या ब्रेड बटर भी खा लेंगे, बट इनको टोस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है बटर वाला। तो बाकी दो टोस्ट मन से खाते हैं, मैं वही काजल को पढ़ती थी, काजल थोड़ा देख तो कुछ यूट्यूब पे ऐसे अच्छे अच्छे टोस्ट की वैरायटी वो चेंज चेंज करके फिर इवनिंग में वो बनाए। जैसे अभी सलाद टोस्ट आता है, सलाद ग्रिल सैंडविच आता है, सलाद सैंडविच आता है, तो बहुत सारी आती है वैरायटीज, तो वैसे वैसे चेंज चेंज करके बनाओ। बट खाने वाले खाए ना हबी को, सब भी अच्छे नहीं लगते हैं ना टोस्ट, चीज भी थोड़ा खाते हैं लेकिन मन से नहीं खाते इतना, इनको बटर और चीज का अच्छा नहीं लगता है। वैसे घी भी ऐसे बोलते हैं सब्जी में कम, वो रोटी विदाउट ऑयल खाते हैं और सब्जी में भी कम ऑयल ही डालते हैं हम इनके लिए, तो इनको ऐसे पसंद ही नहीं आता है। तो भी मैंने 5 मिनट हुआ है काजल ने चालू करके दिया है, मैं तो वहाँ पे लगा ही नहीं सकती हूँ, माइक्रोवेव के बाजू में ही एक प्लग है, वहाँ पे ही लगाना पड़ता है। काजल को बोला मैंने, माइक्रोवेव हटाती हूँ रोज, फिर ये काजल लगा के देती है। तो फिर मैंने बोला अभी माइक्रोवेव के ऊपर थोड़े डब्बे रख दिए मैंने, काजल को बोला खाली रखे थे तो ये ही ऊपर रख देती हूँ, जहाँ पे किचन में ही सेट कर लूँ। वैसे भी मैं इसमें बहुत पहले टोस्ट बनाती थी, तो अभी बीच में छोड़ दिया था, अभी वापस से मैंने इवनिंग में ऐसा ही चालू कर दिया। घर का तो अच्छा नहीं लगता, कितना दिन खाएंगे। और मैगी सुबह में कोकी खाते थे, अभी वो भी चेंज हो गया, शाम को मैगी वैसे बनाते थे, सूजी बनाती थी, पोहा बनाती थी, अब वो भी लोगों ने बंद कर दिया। क्यों, तो वो तो नाश्ता अभी सुबह जो इवनिंग वाला था ना, इवनिंग वाला, वो अभी इन्होंने मॉर्निंग में नाश्ता बना दिया है। काजल, ये काजल तो बीच में से उठ गई, नाश्ता क्या खाएगी, मैगी, इसका एक ही होता है मैगी, मैगी बना, तो वो मैगी बनाती हूँ अभी। पहले पहले मैं हबी को बना के देती हूँ टोस्ट, जो आफ्टरनून में मैंने पालक मेरे पास पड़ी थी वो एक्स्ट्रा पड़ी है पालक, तो उससे जो सब्जी थी उसका बना के देती हूँ। फिर भी अच्छा है, बाहर से तो अच्छा है, घर में सब्जी का टोस्ट हो या कुछ भी वो फिर भी बेटर है। अगर बटर वगैरह नहीं खा रहे, चीज वगैरह नहीं खा रहे तो सब्जी का बेटर है, इनको बना के देती हूँ। घर का तो है, हम लोगों को अच्छा लगता है, हम लोग खा लेते, बटर का इतना मस्त बनता है, बट विदाउट ऑयल, कुछ भी ऑयल नहीं इसमें यूज करना है। तो पहले ना इनको टाइम पे भूख लग जाती है, बोले पहले मेरे को दे जल्दी से टोस्ट तो मैं खा लेता हूँ। मैंने बोला पहले आपको बना के देती हूँ काजल, और मैं बाद में अभी चाय पी काजल ने, फिर गैरी मीन की मैंने, तो सर इतना भारी हो गया, मैंने काजल के साथ दोबारा चाय पी, सर इतना भारी लग रहा था। काजल को बोला तेरे साथ मैं भी चाय पी लेती हूँ थोड़ा, काजल का बनाया, मेरा भी मैंने बना लिया थोड़ा सा। तो सोयाबीन बची थी तो सोयाबीन का भी टोस्ट इन्होंने खा लिया, सोयाबीन बनाई थी आफ्टरनून में, बोले उसका भी टोस्ट बना के दे मुझे। सोयाबीन और मखाना डाला था मैंने कल उस दिन ही, कल सोयाबीन और मखाना डाला था मैंने आफ्टरनून में बनाई थी, फिर वो इन्होंने बोला मुझे उसका ही टोस्ट बना के दे पाव में, मैं उसका खाऊंगा। सब्जी का गरम होता है ना, एकदम गरम हो गया है, तो मैं 5 मिनट गरम करने को रख देती हूँ, फिर ये कप क्लोथ होगा ना उसके उससे ऊपर करती हूँ, ज्यादा गर्म होता है हाथ जल जाता है इसमें। को देके आए हैं टोस्ट, पालक का टोस्ट देके, अभी मैं और काजल अपना बना रहे बटर ब्रेड बना रही हूँ अभी लास्ट हम दोनों का ही। मुझे तो बटर ब्रेड का ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तो जो उसमें मैं शुगर ऐड करती हूँ ना, बटर ब्रेड का टोस्ट यहाँ पे लगाया मैंने, शुगर डाली, वो अंदर जो है ना अंदर एकदम शुगर मेल्ट हो जाती है, खाने में बिल्कुल कच्ची नहीं लगती है। और अभी को भी कल मैंने सोयाबीन का बना के दिया, आज पालक का बना के दिया, बोले अंदर जो सब्जी है ना एकदम से टोस्ट से ज्यादा वो गर्म हो रही है खाने में मस्त।
वहां बैठी थी, फिर अभी उठ के आई हूँ चाय पीने। थोड़ी देर ऐसा लग रहा था हैवी होता है ना बटर ब्रेड, तो चाय थोड़ी देर रख के पी रही। आज तो 9:15 बज रहे, 9:15 हो गए, चाय को इतनी लेट हो गई है। वैसे इवनिंग में 8 बजे तक मेरी चाय हो जाती है, 8 बजे तक। आज मुझे 1 घंटा लेट चल रही है आज मेरी गाड़ी। चाय पी ले तो फिर खाने की तैयारी करूंगी, अभी रात को क्या खाए वो सोचना है, तो खाने की तैयारी करनी है मैंने। अभी जो लिपस्टिक मैंने आफ्टरनून में लगाई, अभी लॉकडाउन में मेरी लिपस्टिक खलास हो गई, वो मैट है लिपस्टिक पहले लगाती थी जो, अभी वो अभी जो लगाई मैंने मैट नहीं है और उतर भी गई। नींद में से उठूं जैसे ही मैंने फेस वॉश किया अपना, देखूं तो मिरर में देखूं तो मेरी लिपस्टिक है ही नहीं। अभी आफ्टरनून में ही तो लगाई थी मैंने शॉवर लेके, लिपस्टिक उतर भी गई। मैंने बोला इससे अच्छा तो मैंने लगानी ही नहीं लिपस्टिक, कि तो नॉन जो अपनी मैट होती है ना नॉनस्टिक नॉनस्टिक लिपस्टिक जो मैट होती है लिपस्टिक, रात को जब तक ब्लॉक पूरा हो जाए या रात को फिर जब तक वॉश फेस को अपना मैं वॉश नहीं करूंगी अच्छे से, तब तक उतरती नहीं है। उस दिन पूरा ब्लॉग मैंने दिखा है, पूरा अंधेरे में ही निकला है, पूरा दिन लाइट बंद थी, वाईफाई का नेटवर्क हमारे घर में 3 दिन तक नहीं आया। 3 दिन वाईफाई बंद थी और हम जियो का यूज कर रहे थे, वो भी जियो का वर्क ही नहीं कर रहा था, तो कैसे कैसे करके 3 दिन निकल गए। बाद में फिर काजल ने चेक किया, वहां से चालू हो गई थी, अभी गए वाईफाई वाले के पास, उसने बोला चालू हो गई। फिर यहाँ से काजल ने चेक किया तो वायर में थोड़ी मिस्टेक थी राउटर में, फिर काजल ने चेक करके बनाया तो वही टाइम पे चालू हो गई। तो इसके लिए मैंने ब्लॉग भी निकाल के रखा, तो उन लोगों ने पोस्ट ही नहीं किया, नेटवर्क ही नहीं था तो कहाँ से पोस्ट करेंगे। 2 दिन के बाद ब्लॉग पोस्ट हुआ है वो, फिर मैंने निकाला भी नहीं, मैं बोली ये पोस्ट हो तो फिर दूसरा निकालू ना ब्लॉग। बजे हैं और अभी मुझे सीधा खाने पे जाना है किचन में, अभी तक मैं कहीं नहीं हूँ, चाय पी के इधर ही बैठी हूँ, रूम में बैठी हूँ रिलैक्स होके। पूरा दिन ऐसा ही जाता है तो फिर इवनिंग में थोड़ा ऐसा लगता है मैं थोड़ा रिलैक्स होके मस्त अपना रूम में बेडरूम में बैठी रहूँ, और स्लाइडिंग खुली है, आराम से ठंडी हवाएं आ रही है और अच्छे से बैठ के टाइम स्पेंड करूं, तो ऐसा अच्छा लगता है मुझे इवनिंग में। फिर अभी सीधा खाने पे जाऊंगी, वैसे तो मैं अभी 9:15 को सीधा खाने पे लग जाती हूं डेली, और अपना 9:45 तक फ्री होके किचन वगैरह क्लीन करके अटेंशन लगा के अपना फ्री हो जाती हूं। लेकिन आज मुझे लेट हो गई है, आज तो अभी 10 बज गए, ये टाइम पर मेरा खाना बन जाता है तो आज मैं लेट हो गई। अभी खाना बनाऊंगी, अभी सोचा भी नहीं मैं क्या बनाऊं, सबके पेट भरे हुए, तो देरी से हमने नाश्ता खाया है, चाय वगैरह और भी लेट की, तो बहुत लेट हो गया नाश्ता आज इवनिंग का, तो अभी सोचा नहीं क्या बनाऊं, तो अभी किचन में जाके देखती हूँ जो समझ में आया बनाया। पहले तो अटेंसेस लगाने पड़ेंगे मुझे, अभी तक अटेंसेस नहीं लगाए, ऐसे ही बैठी हूँ तो अटेंसेस लगाऊंगी पहले। किचन तो पहुँच गया, जब भी मैं नाश्ता बना रही थी उसमें 2 बार तो किचन पहुँचा, फिर उसके बाद चाय बनाई, तभी भी मैं किचन प्लेटफॉर्म पहुँच के आई हूँ। जब भी आदत है ना, वैसे भी ब्रेकफास्ट बने या चाय वगैरह बने या मिल्क बॉयल करूँगी, जब तक खड़ी रहूँगी तो मुझे आदत है, थोड़ा भी कुछ गिरेगा तो मुझे पोंछने की आदत है, वो प्लेटफॉर्म को मैं साफ़ ही रखती हूँ, थोड़ा भी चाय नहीं गिरनी गिरे या मिल्क गिरे तो वही टाइम पे पोंछ लेती हूँ, ख़राब ना रहे प्लेटफॉर्म, पूरा दिन अच्छा ही रखती हूँ। वैसे भी क्लीन ही है, ओनली खाली बस इतना होगा अटेंसेस लगा के जो गीला रहता है फिर वो पोंछ लेती हूँ, तो वो कर लूँगी, उसके बाद फिर खाना बनाऊँ, फिर रात को वही अपना मैं टीवी वगैरह देखूँगी और मूवीज़ वगैरह देखूँगी, थोड़ा काजल के साथ बैठूँगी, अभी खाना बनाऊँगी, खाना पीना खा के मूवी देख के सो जाऊँगी, टैबलेट लेके मिल्क पी के। तो मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, होप आप सबको पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल, मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।